दोस्तों, जैसा कि दिवाली का उत्सव आने वाला है, हम सभी चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सालों साल बरसती रहे। तो इसके लिए वास्तुशास्त्र में कुछ नियम और उपाय बताए गए हैं, जिसे करने से हमारे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या खत्म हो जाती है। सही ढंग से वास्तु का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। आज हम आपको दिवाली पर किए जाने वाले वास्तु के कुछ आसान उपाय बता रहे हैं, जिन्हें करने से आपको वो हर चीज़ मिल सकती है जिसकी आप कामना करते हो। दोस्तों, इन दिनों आपको अपने घर नमक के पानी से अपने पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। परिवार में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हो सके तो दिवाली के दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और आपको धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिवाली आने से एक सप्ताह पहले पूजा के पहले सुबह और शाम दोनों समय पूजा करते वक्त अपने घर की सभी खिड़कियों को खोल दें। जिस जगह पर आपके घर का पूजा स्थान हो, वहां पर सुबह नहाने के बाद लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। दिवाली के दिनों में अपने घर के मंदिर में रखे सभी भगवानों की स्थापना उत्तर दिशा की ओर करें और भगवान गणेश जी की मूर्ति को माँ लक्ष्मी के दाहिनी ओर स्थापित करें। ऐसे करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। दिवाली के दिन रात के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद फिटकड़ी के एक टुकड़े को काले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से भी बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती और साथ ही घर को गरीबी दरिद्रता से भी दूर रखती हैं। आपके घर के बाथरूम में एक कांच की कटोरी में फिटकरी को भर कर रखें और हर महीने में एक बार इसे बदलते रहें। ऐसा करने से भी घर की गरीबी दूर हो जाती है। रात के समय माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ कुबेर की भी पूजा करें और 108 बार इस मंत्र का जप करें। ओम यशाय कुबेराय वैष्णवे धन धान्य धीपताय, धान्य समृद्धि देहे दापय स्वाहा। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहे, तो इसके लिए दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और अपने नहाने के पानी में दूध और काले तिल डालकर स्नान करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कृपया कर दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।